एक्साइटिंग रॉयल प्ले फील द चेंज। खुशी राम पांडे की सलाह सुनो और विनोद ग्रुप को ही निवेश के लिए चुनो। विनोद ग्रुप के साथ रहोगे तो कहलाओगे खुशी राम, वरना मार्केट के उतार चढ़ाव से हो जाएगी नींद हराम। विनोद ग्रुप ऑफ कंपनीज, योर ट्रस्ट इज आवर स्ट्रेंथ। Forever Jewelry, Purity यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन। समझो ससुराल का भी सर्टिफिकेशन मिल ही गया। Forever Jewelry। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिंधी से आवाज पर किसान दिवस के उपलक्ष्य में, और हमारे साथ है तीन जानकार जो इस क्षेत्र से काफी समय से जुड़े हुए हैं। मिस्टर गोयनका, हमने पहले मिस्टर सरदाना की बात सुनी जिन्होंने कहा है कि दो तरीके हैं कि आप खेती बाड़ी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, एक तो सही दाम मिल सके किसानों को और दूसरी बात प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, मैक्सिमम यहाँ पर प्रोड्यूस कैसे निकाला जाए। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा जो जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र से वो है फाइनेंस का, जहां पर हमने देखा इस इकोनॉमी में वैसे भी ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लग रहा है अब क्योंकि इकोनॉमी काफी ज्यादा खुल रही है, ये क्षेत्र भी काफी ज्यादा खुल रहा है, तो फाइनेंस इतना मुश्किल नहीं रहा है जितना पहले समझा जाता था, और इसे अच्छे तरीके से टैप करने की जरूरत है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एग्री क्रेडिट के लिए बजट दिया हुआ है, 4,75,000 करोड़ इन द लास्ट बजट। कई प्राइवेट फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो अवेलेबल फाइनेंस है वो समटाइम्स राइट चैनल्स के थ्रू राइट यूजर्स के पास नहीं जाता है। तो रिक्वायरमेंट कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी का नहीं, बल्कि availability of knowledge on how to get the financing is more important. Okay, विजय जी ये बताइए क्विकली हमें कि ठीक है रिफॉर्म्स अलग बात है, लेकिन कोई जो नया प्लेयर खेती बाड़ी में उतरने की सोच रहा है कृषि क्षेत्र में, उसके लिए तैयारियां क्या होनी चाहिए? बहुत सीरियसली लेना चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, पूरे वैल्यू चेन को समझना चाहिए, और प्लेयर को ये समझना चाहिए कि पहले दिन से हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे ध्यान देना होगा। एग्रीकल्चर को जनरली स्लो प्रोसेस माना जाता है, ऐसा नहीं है। एवरी क्रॉप साइकिल, चाहे वो 3 महीने की हो या 4 महीने की हो, आप उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पूरी प्लानिंग के साथ, और ये देखें कि मैक्सिमम वैल्यू जनरेशन आप किस स्टेज पे कर सकते हैं, वहां फोकस करके और बाकी प्लेयर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ आपको जरूर उतरना चाहिए। आने वाले समय में बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है और इन्फ्लेशन प्रूफ है, कोई समस्या नहीं है, लाइफ लॉन्ग आप इसमें कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी अहम पॉइंट यहाँ हमारे सारे जानकारों ने रेज किया है कि आपको बिल्कुल कृषि क्षेत्र को देखना चाहिए, बहुत प्रॉफिट रहेगा, कभी भी आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ बिजनेस नहीं होगा, अच्छी कमाई के आपको यहाँ मौके मिलेंगे। लेकिन जरूरी है कि आप जैसे बाकी करियर ऑप्शंस के लिए, बाकी सेक्टर्स के लिए पढ़ाई लिखाई करके रिसर्च करके जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी रिसर्च और एनालिसिस करनी होगी। पवन जी, संदीप जी, सरदाना साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। और आपको बता दें कि हमारी जो खास पेशकश है यही खत्म नहीं हो रही, आज पूरे दिन भर सीएनबीसी आवाज पर ये मेला लगा रहेगा, जहां किसान दिवस के उपलक्ष पर आप सबको बताएंगे कि कैसे खेती बाड़ी और कृषि क्षेत्र में आप अपने कदम जमा सकते हैं और बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। धन्यवाद। In September 1974, when the then Finance Minister Mr. Y.B. Chavan had to place budget twice, one annual budget at the end of the February and another mid-year fiscal correction measures in the form of financial proposals in June. And we have seen the regime, 21% growth with minus 21% rate of inflation with minus 6% growth. But we have overcome. Indian entrepreneurship, managerial skill, farmers, workers responding
and cooperating with the policy makers have overcome the crisis which we had to face. The short point which I am trying to drive at, that yes, situation is difficult, but at the same time I do believe we have the capacity, we have the resilience to overcome this difficulty collectively, and that is my appeal to all of you who are assembled at the annual general meeting of this important APEX organization. Friends, we need to make development process inclusive, because development in mere statistical term cannot be the objective of a country of 1 billion plus population. We shall have to improve the reach and quality of our social and physical infrastructure, reduce the regional imbalances, and improve the opportunities for the less privileged, while strengthening the role of the government as an enabler and facilitator. The state spending of the social sectors has increased as India has adopted a multiple strategy for reducing the poverty and inequality. And the development strategy which we are adopting, entitlement. और वित्त मंत्री यहाँ पर बयान देते हुए और बातचीत करते हुए देश के इकोनॉमिक हालात पर, लेकिन बाजार के हालात बेहतर होते हुए दिख रहे हैं आज तेजी के साथ शुरुआत होने के बाद, कुछ वोलेटिलिटी लेकिन हरे निशान में बने रहने में कामयाब। लगातार तीसरा दिन का तेजी का है और आज हफ्ते का आखिरी दिन भी, ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति निफ्टी पर ट्रेड करने की, तेजी करें या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेने का, शॉर्ट करने का मौका है, जानेंगे हमारे 5 एक्सपर्ट से निफ्टी पर ट्रेड करने की रणनीति। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार की 5 टॉप ट्रेडिंग पिक्स, स्टॉक फ्यूचर्स में भी ऑप्शन में होंगे आपके लिए कमाई के मौके आज का ऑप्शन में, और नजर डालेंगे वायदा कारोबार के बजर्स पर। शुरू करते हैं वायदा से फायदा, आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और पहले वो शेयर होंगे आपके सामने जो आज काफी एक्शन में दिख रहे हैं, यानी कि वायदा कारोबार के बाजार, और ज्यादातर दिग्गज शेयरों में आज अच्छा खासा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जेट एयरवेज कई दिनों की पिराई के बाद आज उबरता हुआ दिख रहा है, 5% के आसपास की बढ़त, ओपन इंटरेस्ट में है 12% का इजाफा, तेजी के सौदे यहाँ पर ट्रेडर्स करते हुए दिख रहे हैं। भेल एक और स्टॉक है जहां पर मजबूती दिख रही है आज के सेशन में, और ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी खासी बढ़त है 10% की, और इस स्पेस में लगभग सारे शेयर तेजी का मूड बताते हुए। इंडियन में एक सरप्राइज कमजोरी दिखाने वाला शेयर है, यहाँ पर 3% की कमजोरी, और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। पुंजलर्ड काफी एक्शन दिख रहा है वायदा कारोबार में, कल के सेशन में 30% के आसपास स्टॉक चढ़ा था, आज भी मजबूती बरकरार है 4% की तेजी, और ओपन इंटरेस्ट में भी 5-6% तक की बढ़त। तो इन सारे शेयरों पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से कार्यक्रम में आगे, लेकिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर लें। 15,850 के आसपास से सेंसेक्स 35 अंकों का फायदा, और निफ्टी पर अगर आप देखें तो इस वक्त 10 अंकों की बढ़त, 4,750 के आसपास निफ्टी में होता हुआ कारोबार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आज के सेशन में बने हुए हैं मजबूत, वहां पर भी खरीदारी का माहौल बरकरार है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद से आपको पता चलेगा कि ब्रॉडर मार्केट का मूड कितना मजबूती का है। 800 से ज्यादा शेयर